डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमे है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमिजनेट प्रो पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग के अंदर फॉर्मल और इनफॉर्मल फैलसीज से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हमने पहले बात की थी थ्योरेटिकल रूप से समझने की कोशिश की थी कि फॉर्मल फैलसी इनफॉर्मल फैलसी क्या है, उनके टाइप क्या है, लेकिन जब तक हम उनके क्वेश्चन नहीं देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से उन क्वेश्चन को हमें टैकल करना है, किस तरह से उनको सॉल्व करना है, जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा तब तक थ्योरी करने का कोई फायदा नहीं है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको फैलसी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों अगर आपको नेट और जीआर चाहिए तो हमारा पेड कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। इसमें हम आपको क्या देने वाले हैं, नंबर एक 2022 के न्यू अपडेटेड नोट्स देंगे, नंबर दो 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में देंगे, नंबर तीन पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के यूनिट वाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, नंबर चार पे दोस्तों आपको यूनिट वाइज के अलावा आपको सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी देंगे। आज तक जैसे जो भी टाइप ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, हाइपोथेसिस के अलग है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन से जो भी क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, यानी कि सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं। नंबर पांच पे दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री देने वाले हैं। इसके अलावा भी आपको पेड कोर्स में बहुत कुछ मिलने वाला है, हम आपको मैथ और डीआई के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ये बताएंगे कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, अभी ज्वाइन कीजिए हमारा पेड कोर्स क्योंकि निमिजनेट है तो जीआरएफ है। ये देखिए दोस्तों ये हमारा 23 जून 2019 इवनिंग शिफ्ट का पेपर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए 21 जून 2019 सेकंड शिफ्ट का पेपर है और इसमें ये देखिए कि हमारा क्वेश्चन आया है फैलसी से रिलेटेड। कंसाइड द आर्ग्यूमेंट गिवन बिलो, साउंड इज परमानेंट बिकॉज इट इज ऑडियबल, आइडेंटिफाई द फैलसी इन्वॉल्व इन द अबो आर्ग्यूमेंट, यानी कि इसके अंदर किस तरह की फैलसी है वो हमें बताना है और ये क्या कह रहा है, साउंड इज परमानेंट, साउंड क्या है, परमानेंट है, बिकॉज इट इज ऑडियबल, क्योंकि ये सुनी जा सकती है इसलिए ये परमानेंट है। अब हमें ये बताना है कि इसमें किस तरह की फैलसी का यूज किया गया है और ये देखिए इन्होंने इसका आंसर दिया है, आंसर ए फैलसी ऑफ ट्राइबल रीजन, इन्होंने इसका आंसर दिया है और ये क्यों आई है यहाँ पे, इसका रीजन क्या है, क्यों आई है ट्राइबल रीजन, ये मैंने आपको बताया था और मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। जहाँ पे यानी कि तर्क जो है वो सही से तर्क ना दिया गया हो, सही उसके बारे में डिफाइन ना करता हो तो वहाँ पे क्या होगा, ट्राइबल रीजन होगा। देखिए आपको एक बार फिर से मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, हमने ये किया था बहुत अच्छे तरीके से, ये हमने की थी अच्छे से, सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई थी और हर एक टाइप मैंने करवाया था, एक बार फिर से आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए हमारा यहाँ पे फैलसी ऑफ ये रहा ट्रैवल रीजन, ये रहा देखिए ये रहा फैलसी ऑफ ट्रैवल रीजन। इसके अंदर क्या होता है, किसी निष्कर्ष के समर्थन में दिया गया एक कारण निष्कर्ष की सत्य या मिथ्यता को स्थापित करने में बहुत ही महत्वहीन है, यानी कि उसका जो महत्व जो रीजन दिया गया है ना वो प्रॉपर रीजन नहीं दिया है, वो बहुत ही कम स्टेबल है, उसके लिए सही से उसको रिलेट नहीं कर रहा, तो वहां पे क्या होगा, हमारा फैलसी ऑफ ट्राइबल रीजन होगा और यही इसने यहाँ पे आंसर दिया हुआ है फैलसी ऑफ ट्राइबल रीजन, क्योंकि साउंड इज परमानेंट बिकॉज इट इज ऑडियोबल, ये इसका सही से रीजन नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से इसको समझ सकते हैं और आगे हम देखते हैं कि फैलसी से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन हमारे आए हैं। जब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक अपना यूजीसी नेट कुछ भी नहीं हो सकता तब तक अपना। ये देखिए अगला ये फिर से क्वेश्चन है हमारा, ये देख लेते हैं कब आया था, 24 जून 2019 इवनिंग शिफ्ट में पेपर है और ये देखिए क्वेश्चन है हमारा, कंसाइड द आर्ग्यूमेंट प्रोवाइडेड बिलो, इसमें देखते क्या, साउंड इज परमानेंट बिकॉज इट इज ए प्रोडक्ट लाइक द जार, ये कह रहा है जो साउंड है वो परमानेंट है क्योंकि वो एक जार की तरह है। जार क्या होता है, जैसे हमारा कुछ बर्तन होता है जार जिसके अंदर हम अचार वगैरह डालते हैं, ठीक है, तो ये कह रहा है साउंड जो है वो परमानेंट है क्योंकि ये भी जार की तरह एक प्रोडक्ट है। अब देखिए ये तो बिल्कुल ही बहुत ही गलत बात कर रहा है ना, इसका तो हम बहुत अच्छे तरीके से विरोध कर सकते हैं, भाई नहीं ऐसा तो गलत कह रहा है, साउंड जार की तरह प्रोडक्ट कैसे हो गया, जार को तो हम रख सकते हैं, जार के अंदर अचार डाल सकते हैं, साउंड को कहाँ रखें बताइए, साउंड को और साउंड के अंदर क्या डालें, ये तो हम विरोध कर सकते हैं ना इसकी बात का। तो यहाँ पे जो इन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया है ये बिल्कुल ही विरोध वाला आर्ग्यूमेंट दिया है।
अब देखिए यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा। आंसर यहाँ पे इन्होंने आंसर एक दिया हुआ है, फैलसी ऑफ कंट्राडिक्टरी रीजन। कंट्राडिक्टरी का मतलब होता है जहां पे विरोध उत्पन्न हो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, फैलसी ऑफ कंट्राडिक्टरी रीजन आ जाएगा। और दोस्तों हमने ये जो पीडीएफ है, ये नोट्स जो बनाए हैं 2012 से लेके 2020 तक, जितने भी क्वेश्चन आज तक लॉजिकल रीजनिंग के आए वो अलग है, टीचिंग के अलग है, कम्युनिकेशन के अलग है, हिंदी इंग्लिश के अंदर हमने दिए हुए हैं। आप यहाँ पे इसको हिंदी में भी देख सकते हैं। ध्वनि स्थाई है क्योंकि यह जार की तरह ही उत्पाद है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है विरोधाभासी तर्क वाला हेतात्भा, तो यहाँ पे इसका जो आंसर है विरोधाभासी तर्क वाला हेतात्भास इसका आंसर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से किस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए फैलसी ऑफ कंट्राडिक्टरी रीजन, ये हमने करवाया हुआ है, हमारे नोट्स के अंदर करवाया हुआ है, थ्योरी के अंदर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप वीडियो देख सकते हैं, थ्योरी वाली वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा उसका लिंक, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक करना, उसके अंदर आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से हमने एक्सप्लेन किया है। ये देखिए किसी निष्कर्ष के समर्थन में दिया गया एक कारण सत्य या निष्कर्ष के लिए विरोधाभासी होता है, यानी कि उसमें जो तर्क दिया हुआ होता है वो विरोध उत्पन्न करता है हमारे अंदर, ठीक है। तो इस तरह से बिल्कुल आसानी से इसको समझ सकते हैं। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से आए हैं। ये देखिए 2019 के अंदर साउंड से रिलेटेड काफी क्वेश्चन आए हैं। आगे हमारे पास साउंड इज ई परमानेंट बिकॉज इट इज ऑडियोबल। ये देखिए ये तो बिल्कुल ही बहुत ही ज्यादा गलत बात कर रहा है कि साउंड इज ई परमानेंट। ये कह रहा है कि साउंड जो है वो अस्थाई है क्योंकि यह ऑडियोबल है, ये तो बिल्कुल ही गलत बात कर रहा है ना। और यहाँ पे हिंदी में देख सकते हैं ध्वनि अस्थाई है क्योंकि यह श्रव्य है। तो इसका हम आंसर देखने की कोशिश करते हैं क्या आंसर आएगा। इसका आंसर देखिए, इसका आंसर इन्होंने एक बार फिर एक दे दिया है, फैलसी ऑफ ट्राइबल रीजन। ये तो हम इस पे तो बिल्कुल बहस कर सकते हैं ना, इस पे तो बिल्कुल अच्छे तरीके से विरोध कर सकते हैं। भाई तू क्या क्या बकवास कर रहा है यार, साउंड इज ई परमानेंट कैसे कह रहा है तू, ये ऑडियोबल है, ये इसको हम सुन सकते हैं इसलिए ये अस्थाई है क्या यार, मतलब समझ में नहीं आई क्या बात कर रहा है तू। तो ये तो क्या हो जाएगा हमारा, फैलसी ऑफ ट्राइबल रीजन हो जाएगा। इसका हम बहुत अच्छे तरीके से विरोध कर सकते हैं, ठीक है। और आगे हम देखते हैं आगे हमारा किस तरह से क्वेश्चन आया फैलसी से रिलेटेड। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना दोस्तों। आपका एक कमेंट और एक लाइक हमें बहुत प्रोत्साहित करता है। आगे ये देखिए फिर से साउंड से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, साउंड इज ई परमानेंट बिकॉज इट इज इनविजिबल, ठीक है। इसको हम देख नहीं सकते इसलिए ये ई परमानेंट है, यानी कि ये अस्थाई है क्योंकि हम इसको देख सकते हैं। तो अब इसको हम देख कहाँ सकते हैं, ये देखिए ये ई रिलेवेंट है, ये तो इससे रिलेवेंट है ही नहीं ना। साउंड इज ई परमानेंट, ये अस्थाई है क्योंकि बिकॉज इट इज इनविजिबल, यानी कि इसको हम देख नहीं सकते इसलिए ये ई परमानेंट है, ठीक है। तो ये जो दोनों के दोनों तर्क है, ये जो तर्क है इससे रिलेट ही नहीं कर रहा है, बिल्कुल रिलेट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फैलसी ऑफ ई रिलेवेंट रीजन, यानी कि जहाँ पे रिलेट ना करे कोई चीज़ें तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, ई रिलेवेंट रीजन आ जाएगा। और आगे एक और हम देख लेते हैं, ये देखिए ए फैलसी इन विच एन अपोनेंट्स पोजिशन इज डेपिकेटेड एज बींग मोर एक्सट्रीम, यानी कि जहां पे किसी व्यक्ति को बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाए वहां पे किस तरह की फैलसी होगी हमारी। और जो अनरीजनेबल, यानी कि अनरीजनेबल, वहां पे कोई रीजन ना दे, अच्छा तर्क ना दे, फिर भी किसी व्यक्ति को बढ़ा चढ़ा के बताए, उसकी तारीफों के पुल बांधे, उसके बारे में कुछ भी कह दे, तो वहां पे किस तरह की हमारी फैलसी होगी, ये देखिए इसका आंसर है स्ट्रॉमैन फैलसी है, ठीक है। स्ट्रॉमैन फैलसी भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये भी हमने करवाई थी, हमने बहुत तरह की फैलसी करवाई है, अगर आपने की हो तो। ये देखिए ये रहा हमारा स्ट्रॉमैन फैलसी, इसके अंदर क्या होता है, इसमें किसी व्यक्ति आदि की बातों को सिद्ध करने के लिए उसको बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं, ठीक है। यही चीज है हमारी क्वेश्चन के अंदर भी, यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है तो वहां क्या हो जाता है, स्ट्रॉमैन फैलसी हो जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बार बार एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि अगर आपने थ्योरी वाली वीडियो नहीं देखी है तो थ्योरी वाली वीडियो देख लीजिए, आपके बहुत काम आने वाली है। आगे हम बात करते हैं, ये देखिए 2 दिसंबर 2019 इवनिंग शिफ्ट का पेपर है, इसके अंदर है एवरीथिंग इज गोइंग टू बी पार्टी यू शुड गो, यानी कि सभी लोग पार्टी में जा रहे हैं इसलिए तुम्हें भी जाना चाहिए। तो यहाँ पे किस तरह की फैलसी होगी, इसकी फैलसी इसका ये होगी नंबर एक एड पोपुलम, एड पोपुलम ये हमारी फैलसी हो जाएगी, जहाँ पे किसी को
यानी कि सभी लोग कर रहे हैं इसलिए हमें वो काम करना चाहिए, तो वहां पे होता है एड पॉपुलम होता है। ठीक है, और देखते हैं इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आए हैं। देखिए, जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे अच्छे से तब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। और आगे हम बात करते हैं, हमारे पास स्लीपर स्लोप, अनेकार्थी। हाँ, ये देखिए, ये रही है हमारी क्वेश्चन नंबर 4। चूहा एक पशु है, ठीक है, अंत एक बड़ा चूहा एक बड़ा पशु है। अब ये देखिए, ये क्या कह रहा है, एक चूहा एक पशु। यहाँ पे आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं इसको, यहाँ पे देखिए, द इन्फ्रेंस ए माउस इज एन एनिमल, देयर फॉर ए लार्ज माउस इज ए लार्ज एनिमल। ये इसकी जो बात है ये सही से सेट नहीं हो रही। तो इसका देखिए, इसका हम देखते हैं स्ट्रॉमैन फैलसी। स्ट्रॉमैन फैलसी का तो मतलब क्या हुआ, हमने बात की थी ना, जहाँ पे बढ़ाव चढ़ा के तारीफों के पुल बांधे जाए उसके बारे में कहा जाए, तो इसमें बढ़ा चढ़ा के नहीं कहा गया। ठीक है, स्लीपर स्लॉप, स्लीपर स्लॉप का मतलब ये होता है कि हम कई बातों को लेके उसको इकट्ठा करके किसी के बारे में नेगेटिव राय निकाले, नेगेटिव रिजल्ट निकाले, तो वहां पे क्या होता है, स्लीपर स्लोप होता है। स्लीपर स्लोप आगे आएगा, मैं आपको दिखाऊंगा स्लीपर स्लोप भी। अनेकार्थी, जहाँ पे एक बात के कई अर्थ निकालने की कोशिश करें, उससे मिसगाइड करने की कोशिश करें। ठीक है, फिर है संग्रह दोष। संग्रह दोष जो होता है उसके अंदर क्या, हमें कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश की जाती है, हमें पता नहीं चलता क्या सही है क्या गलत है। तो इसका जो राइट आंसर है वो अनेकार्थी है। अब देखिए, इसने कहा है चूहा एक पशु है, ठीक है, ये बात हमने मान ली, एक बड़ा चूहा है एक बड़ा पशु है, तो इसने अर्थ निकाल लिया ना, अनेक अर्थ निकाल लिए। भाई एक बड़ा चूहा है वो बड़ा पशु होगा, फिर इसने अर्थ निकाल लिए, अनेक अर्थ निकाल लिए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अनेक अर्थ आ जाएगा। और इसका इंग्लिश में देखते हैं, इंग्लिश में जो आंसर है यहाँ पे गलती से यहाँ पे थ्री लिखा गया। थ्री कैसे, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के ऑप्शन जो है सफलिंग हो गए, ऊपर नीचे हो गए, तो इसका जो आंसर आएगा इक्विवोकेशन आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। और ये भी हमने करवाई है, हमने सभी फैलसी करवाई है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, ये रहा इक्विवोकेशन फैलसी है। इसके अंदर क्या होता है, एक तर्क में एक ही शब्द के लिए विभिन्न परिभाषाओं को लागू करना, यानी कि अलग अलग मतलब निकालना। ठीक है, तो ये हो गया, हमने सभी फैलसीज करवाई है। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए और ये जो 2012 से लेके 20 तक क्वेश्चन चाहिए, लॉजिकल रीजनिंग के, रिसर्च के, जितने भी टॉपिक के आपको क्वेश्चन वगैरह चाहिए, तो आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारी ऐप निमिज नेट डाउनलोड कर लेना, उसके अंदर आपको ये सभी नोट्स और क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। आगे हम बात करते हैं कि आगे फैलसी से रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चन आए हैं। अब ये देखिए, इसके अंदर क्या है हमारा, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 18, और ये कौन से क्या, 4 दिसंबर 2019 मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। 2020 के भी दिखाऊंगा, आप बने रहिए हमारे साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग हेतात्मभास, फैलसी इज इन्वॉल्व इन द आर्ग्यूमेंट, साउंड इज एलिमेंट बिकॉज इट इज, ये देखिए यहाँ पे इन्होंने हिंदी में पढ़ने की कोशिश करते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ मिसिंग मेरे को लग रहा है। यहाँ पे ये देखिए, ध्वनि एक तत्व है क्योंकि यह सह उत्पन्न होती है, यानी कि ये अपने आप उत्पन्न होती है, इसलिए ये एक तत्व है। यहाँ पे हमें बताना कि किस तरह की ये फैलसी है, विरुद्ध या विरोधी है, तो यानी कि कंट्राडिक्टरी की बात चल रही है यहाँ पे। तो ये क्या, ध्वनि एक तत्व क्योंकि यह अपने आप उत्पन्न होती है, तो यहाँ पे क्या है, इसका विरोध हो रहा है। ये विरोध, ये जो कंट्राडिक्टरी फैलसी के बारे में हमने काफी क्वेश्चन देखे ऊपर, तो इसमें आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं, जहाँ पे किसी बात का विरोध हो, बिल्कुल सही बात ना हो, तो वहां पे क्या होगा, कंट्राडिक्टरी फैलसी हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में हम और देखते हैं और किस तरह से क्वेश्चन आए हैं। और दोस्तों, आप हमारी क्लास जरूर लगाया करें थ्योरी वाले की, क्योंकि आप थ्योरी करेंगे तभी आप क्वेश्चन समझ पाएंगे अच्छे से। और आगे हम बात करते हैं, ये देखिए हमारा 5 दिसंबर 2019 सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है। फायर इज कोल्ड, फायर क्या है, वो ठंडी है। ठीक है, अग्नि शीतल है क्योंकि यह एक पदार्थ है, बिकॉज इट इज ए सब्सटांस। फायर इज कोल्ड, आग ठंडी है, बिकॉज इट इज ए सब्सटांस, ये तो बिल्कुल ही गलत बात कर दी ना इसने। हम इसका बहुत अच्छे तरीके से विरोध कर सकते हैं, फायर इज कोल्ड, कोल्ड कहाँ है भाई, कोल्ड नहीं होती भाई साहब, क्या बात कर रहे हो आप। ठीक है, आग क्या होती है, वो गर्म होती है, तो इसका हम बहुत अच्छे तरीके से विरोध कर सकते हैं। और जहाँ पे विरोध हो वहां पे क्या होगा, कंट्राडिक्टरी फैलसी होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर नंबर 2, बाधित, यानी कि नॉन इन्फ्लुएंशियल कंट्राडिक्टरी मिडल, यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
तो देखिए कितना आसान हो जाता है हमारे लिए जब हम थ्योरी करने के बाद क्वेश्चन करते हैं तो। और आगे और भी क्वेश्चन देखते हैं हम। 6 दिसंबर 2012 2019 का पेपर है ये, तो इसमें क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे ये देख सकते हैं, यदि वर्षा होगी तो सूखा समाप्त हो जाएगा। ये इसकी बात बिल्कुल सही है, यदि वर्षा होगी तो सूखा समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें बताना कि किस तरह की ये फैलसी है। तो इसका आंसर है एक डिडक्टिव फैलसी है, ठीक है, निगमनात्मक एतत्भास यहाँ पे दिया हुआ है। और आगे हम बात करते हैं, अब देखिए यहाँ पे, हाँ ये रहा हमारा स्लीपर स्लोप फैलसी आ गया। इसी में 6 दिसंबर 2019 में मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। इन दिस हॉस्पिटल सम नर्सेज डोंट वेयर व्हाइट ड्रेस। यहाँ पे आप हिंदी में भी देख सकते हैं, देखिए कुछ इस अस्पताल में कुछ नर्सें सफेद वस्त्र नहीं पहनती, कुछ चिकित्सक निजी प्रैक्टिस करते हैं और महंगी दवाइयाँ लिखते हैं, इसलिए इस अस्पताल में घटिया गुणवत्ता स्तर का उपचार होता है, ठीक है। यहाँ पे जो रीजन दिए गए हैं ना, वो रीजन सही रीजन नहीं है, और उसके बावजूद इसका रिजल्ट जो है वो नेगेटिव निकाला गया है। तो जहाँ पे सही रीजन ना होने के बावजूद भी गलत नेगेटिव उसका रिजल्ट निकाला जाए तो वहां पे क्या होगा, स्लीपर स्लोप होगा। और हमारा आंसर क्या, आंसर 2 स्लीपर स्लोप इसका आंसर हो जाएगा। मैं आपको यहाँ भी दिखा देता हूँ, हमारी इसके अंदर थ्योरी के अंदर भी मैंने आपको ये करवाया था, स्लीपर स्लोप ये रहा हमारा, ये रहा कहाँ गया भाई, हाँ ये रहा स्लीपर स्लोप। अपर्याप्त प्रमाण के साथ नकारात्मक परिणामों की भविष्यवाणी करना, यानी कि हमारे पास सही से तर्क नहीं होता लेकिन फिर भी हम उसका नेगेटिव रिजल्ट निकालने की कोशिश करते, तो वहां पे क्या होगा, स्लीपर स्लोप हमारा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, और अगर हम थ्योरी अच्छे से कर लेते हैं और उसको उसके बाद में हम क्वेश्चन अच्छे से करते हैं तो बिल्कुल आसानी से नेट और जीआरएफ कर सकते हैं। अब देखिए ये हमारे 2020 एग्जाम जो हुआ है उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन आए वो भी हमने टॉपिक वाइज किए हुए हैं। तो और 2020 के अंदर 20 शिफ्ट हुए हैं, आपको याद हो तो 20 शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हमने अलग अलग किए हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चन बनाए हुए हैं। तो इनमें देखते हैं कि हमारे फैलसी से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, और इसमें कई तरह की फैलसी है, और जैसे इंडियन लॉजिकल की बात करें तो वो हमने अभी नहीं की है, वो धीरे धीरे करेंगे। ये देखिए हमारा 12 नवंबर 2020 को आया था क्वेश्चन, ये देखिए, एवरी वन बिलीव दैट देर इज ए सॉल, देयर फॉर यू शुड ऑल्सो बिलीव इट। अब ये देखिए हमने बात की थी ना कि ऊपर बात की थी कि सभी लोग जा रहे हैं इसलिए, हाँ सभी लोग पार्टी में जा रहे हैं इसलिए तुम्हें भी जाना चाहिए, हमने किया था ना एक क्वेश्चन, उसमें क्या था, एड पोपुलम था, उसमें क्या था कि सभी लोग कर रहे हैं इसलिए हमें भी ये चीज करनी चाहिए, तो वहां पे क्या होगा, एड पोपुलम होगा। और यहाँ भी यही चीज कही गई है, एवरी वन बिलीव दैट देर इज ए सॉल, यानी कि सभी लोग मान रहे हैं कि यहाँ पे आत्मा है इसलिए आज तुम्हें भी मानना चाहिए। कई लोग कहते ना भाई इस घर में भूत रहते हैं, भूत रहते हैं, भूत रहते हैं, तो फिर हम कहते हैं भाई तेरे को भी माननी चाहिए ये बात क्योंकि सारे लोग मान रहे हैं। तो इस तरह की जो फैलसी होती है वहां पे क्या होता है, एड पॉपुलम होता है, एड पॉपुलम वाली फैलसी यहाँ पे होती है। और ये क्वेश्चन हमने किया ना, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, किस तरह से जो टॉपिक है कॉन्सेप्ट है वो रिपीट हो रहा है, और अगर हम एक बार अच्छे से कर लेते हैं तो बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं, गॉड इज ग्रेट बिकॉज ही डज ग्रेट थिंग। अब ये कह रहा है कि जो भगवान है वो बहुत ही महान है क्योंकि वो महान चीजें करता है। तो यहाँ पे किस तरह की फैलसी होगी, नंबर 4 पे PTTO प्रिंसिपल यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि आप ना एलिमिनेशन के जरिए भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, जैसे कि मान के चलते हैं कि एड हिजमोनी क्या होता है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो बाद में कौन सा बच गया, तो एलिमिनेशन टेक्निक है वो भी आप यूज कर सकते हैं। और आगे हम बात करते हैं कि ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 नवंबर 2020 को ये सेकंड शिफ्ट के अंदर आया था, प्लैनेट आर बिग देयर फॉर द एटम फ्रॉम विच दे आर मेड आर बिग। अब ये देखिए यहाँ पे क्या है इसका आंसर, इसका आंसर यहाँ पे दिया है फैलसी ऑफ डिवीजन, इसका आंसर दिया हुआ है। और देखते हैं हम और किस तरह के क्वेश्चन आए हैं हमारे
इनमें से हैव यू स्टॉप्ड टेलिंग लाई। अब ये देखिए, ये बहुत ही मजेदार है, यहाँ पे इसके बारे में भी मैंने आपको बताया हुआ है। और ये कहाँ पे कब आया है क्वेश्चन, ये देख लेते हैं। ये 12 नवंबर को ही क्वेश्चन आया हुआ है कि हैव यू स्टॉप्ड टेलिंग लाई, क्या तुम झूठ बोलने के लिए रोक सकते हो, यानी कि झूठ बोलना बंद कर सकते हो। ठीक है, इस तरह का हम क्वेश्चन इसमें पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे किस तरह की फेलसी होगी, फेलसी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होगी यहाँ पे। अब ये मैं फेलसी आपको दिखा देता हूँ किस तरह की फेलसी होती है, इसमें क्या बात करते हैं हम, जिससे आप बिल्कुल आसानी से इसको समझ पाएंगे। इसके अंदर क्या होता है कि हम क्वेश्चन मार्क करते हैं, अगले आदमी को समझ में नहीं आता कि मैं क्या आंसर दू इसका, क्या है इसका मतलब, वो समझ नहीं पाता। और ये हमने करवाई है फेलसी, मैं देखता हूँ कहाँ पे है हमारी फेलसी ये। और इसके अंदर यही होता है कि आदमी समझ नहीं पाता। ये दे, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, ये रहा। आप क्या स्वीकार कर रहे हैं कि आप गलत हैं, क्या आप स्वीकार कर रहे हैं कि आप गलत हैं, हाँ का जवाब देना गलत साबित होगा। इसके अंदर क्या होता है कि जब हम किसी ऐसा क्वेश्चन पूछ ले किसी से कि वो कंफ्यूज हो जाए कि इसका मैं आंसर क्या दूं, अगर हाँ दूंगा तो मरूंगा, अगर ना दूंगा तो भी मैं मर जाऊंगा, ठीक है, यानी कि मेरे ऊपर ही बात आएगी, तो वहां पे क्या होगा, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन फेलसी हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमने सभी तरह की फेलसीज लगभग करवाई हुई है। आगे हम बात करते हैं, ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन पेपर है 13 नवंबर 2020, सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है। और इसके अंदर ये देखिए क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट फैलसी इज कमिटेड इन द फॉलोइंग आर्गुमेंट, मिस्टर एक्स इज रॉन्ग, मिस्टर एक्स क्या है वो गलत है, इन व्हाट ही सेड बिकॉज ही इज अनडिसिप्लिन बाय नेचर। इसके अंदर क्या कहा गया है कि जो मिस्टर एक्स है उसने जो कहा है वो गलत कहा है, क्योंकि वो अनुशासनहीन है, यानी कि वो अनुशासन में नहीं चलता, स्वाभाविक रूप से वो लोगों के बीच में अनुशासन में नहीं चलता, इसलिए उसने जो कहा है वो गलत है। यहाँ पे उसके करैक्टर के ऊपर सवाल उठाया गया है। तो यहाँ पे किस तरह की फैलसी होगी, देखिए इसका आंसर यहाँ पे इन्होंने दिया है, एड होमिनम इसका आंसर दिया है। अब ये फैलसी भी मैंने आपको करवाई है, बहुत अच्छे तरीके से करवाई हुई है, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए इसके अंदर क्या होता है, आर्ग्यूमेंट एड होमिनम के अंदर किसी व्यक्ति के चरित्र पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, उसके चरित्र को लेके उस पर आर्ग्यूमेंट किया जाता है। जैसे कि मान के चलिए हम अदालत के अंदर जाते हैं और अदालत के अंदर बताते हैं कि माय लॉर्ड ये जो आदमी है इसका नेचर नेचर जो है वो सही नहीं है, इसलिए इसी ने चोरी की होगी और ये पहले भी पकड़ा गया है, यानी कि इसके करेक्टर को लेके इसको दोषी ठहराना वहां पे क्या होता है, एड होमिनम फैलसी होती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमने किस तरह से सारे के सारे टॉपिक हमने करवाए हुए हैं, सारी फेलसीज यहाँ पे करवाई हुई है। अगर आप हमारी वीडियोस देखते हैं तो बिल्कुल आसानी से नेट और जीआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं। और आगे हम देखते हैं कि आगे किस तरह से क्वेश्चन आए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बता दूं हमारी, कि हमने 2020 के क्वेश्चन भी इसके अंदर इंक्लूड किए हुए हैं, आपको पूरे यूट्यूब पे और कहीं पे भी, पूरे इंडिया में कहीं पे भी ये क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेंगे जो क्वेश्चन हमारे पास है। और हमने 2012 से लेके 2020 तक ये अलग अलग किए हुए हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन, मैं उम्मीद करता हूँ आपको फैलसी के बारे में काफी अच्छे से पता चल गया होगा, हमने जो क्वेश्चन करवाए हैं वो आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और आप जरूर बताना दोस्तों कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्या हमें इस तरह की वीडियो और बनानी चाहिए, और 2020 में जो क्वेश्चन आए वो दिखाने चाहिए या नहीं दिखाने चाहिए। आप अपने अपने कॉमेंट्स जरूर 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 करना, ताकि हम आगे इस तरह की वीडियो बना सके। आपका एक कॉमेंट और एक लाइक हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों अगर आपको नेट और जीआरएफ चाहिए तो हमारा पेड कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। इसमें हम आपको क्या देने वाले हैं, नंबर एक 2022 के न्यू अपडेटेड नोट्स देंगे, नंबर दो 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में देंगे, नंबर तीन पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के यूनिट वाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, नंबर चार पे दोस्तों आपको यूनिट वाइज के अलावा आपको सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी देंगे। आज तक जैसे जो भी टाइप ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन आ चुके हैं वो अलग है, हाइपोथेसिस के अलग है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन से जो भी क्वेश्चन आ चुके हैं वो अलग है, यानी कि सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं। नंबर पांच पे दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री देने वाले हैं। इसके अलावा भी आपको पेड कोर्स में बहुत कुछ मिलने वाला है, हम आपको मैथ और डीआई के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ये बताएंगे कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, अभी ज्वाइन कीजिए हमारा पेड कोर्स, क्योंकि निमिजी नेट है तो जीआरएफ है।